price of sugar is increased by 16.66% and again increased by 28.56%. Now it is decreased by 62.5%. But a person used 120 grams sugar currently while he consumed 270 grams previously. Find percentage change in the expenditure of the person. मैंने एक परसेंटेज इक्विवेलेंट का वीडियो बनाया हुआ है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है। वो बहुत ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, दो वीडियो है, एक परसेंटेज का और एक परसेंटेज इक्विवेलेंट का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको जरूर देखना, उसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस परसेंटेज को रेशियो के टर्म्स में कन्वर्ट करना। जैसे ही आप इजिली कन्वर्ट कर पाओगे आंसर इजिली निकाल लोगे। 16.66% का क्या मतलब है, सिंपली 1/6। 28.56% का क्या मतलब है, ये वैल्यू का मतलब है 2/7। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ये सोच रहे होगे कि मैंने रट के लिख लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे आप भी इसको इंस्टेंटली लिख सकते हो। 62.5% का क्या मतलब है, ये वैल्यू है 5/8। ये क्लियर है? नाउ फर्स्ट में क्या कह रहा है कि शुगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कितने से हो रहा है, 16.66 से इंक्रीज हो रहा है। तो 16.66 से प्राइस बढ़ने का क्या मतलब है, इसके बढ़ने का मतलब है कि प्राइस 1/6 से बढ़ गया है। अगर ओरिजिनल प्राइस शुगर का 6 था तो फाइनल प्राइस कितना होगा, उससे एक ज्यादा, तो ये 7/6 का फैक्टर आएगा। सेकेंड केस में फिर से इंक्रीज हो रहा है 28.56 का। 28.56 का इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि आप बढ़ा रहे हो प्राइस को 2/7 से। मतलब अगर प्राइस पहले 7 था तो अब उससे 2 ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9/7 का फैक्टर। और थर्ड केस में आपने क्या किया है, प्राइस को 62.5% से डिक्रीज कर दिया है, मैसिव डिक्रीज है, 62.5 से डिक्रीज किया है। इसका क्या मतलब है, रेशियो टर्म्स में 5/8 से आप डिक्रीज कर रहे हो, करेक्ट है? मतलब अगर ओरिजिनल प्राइस 8 था तो फाइनल प्राइस, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/8। तो आपको क्या करना है, ये जो इफेक्टिव चेंज हो रहा है उसको निकाल लो। तो ये कैसे होगा, सिंपली 7/6 इंटू 9/7 इंटू आप क्या लिखोगे बच्चे, 3/8। इफेक्टिवली यही फैक्टर के टर्म्स में चेंज होगा, और रेशियो गिवन है तो हमें हमारा काम और भी आसान है। ये 7 से ये 7 कैंसिल, 3 से ये 2, करेक्ट, यानी ये वैल्यू आएगा 9/16। इट मींस अगर ओरिजिनल शुगर प्राइस 16 था तो फाइनल प्राइस कितना रह गया है, वो रह गया है 9। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका करंट कंजम्पशन क्या है, उसका करंट कंजम्पशन है 124 grams, करेक्ट, 124। उसका करंट प्राइसिंग कितना है, वो है बच्चे 9। तो यही उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर। पहले वो कितना कंज्यूम करता था, 217 grams, और पहले प्राइस कितना था, वो था 16। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, 16, और यही आएगा आपका क्या, एक्सपेंडिचर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 9 × 4 = 36, 3, 9 × 2 = 18, और 3 = 1, तो 2 और 9 और 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो करंट एक्सपेंडिचर कितना है, 1116। शुरू का एक्सपेंडिचर कितना था, प्रीवियस एक्सपेंडिचर, वो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू कितना आएगा, 16 × 7, तो 112, तो ये 2 लिख लो, 11, तो 16 × 1, तो 16 और 11, तो 27, 2, 16 × 2, तो 32, और 2, तो ये हो जाएगा कितना, 34। तो कितने का डिक्रीज हुआ है, ये था इनिशियल कंजम्पशन, ये है फाइनल कंजम्पशन, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 72 में से 16 को सब्सट्रैक्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, 56, और 34 में से 11 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। यही डिक्रीज हो रहा है कितने पे, इनिशियली तो आपका ये था 3, 4, 7, 2। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 से डिविजिबल नंबर है, तो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 × 5, तो 23, 35, तो 4 × 8, 32, तो 3, 36, तो 4 × 9, तो ये आ जाएगा 5, 8, 9। 4 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 × 8, 32, 27, तो 4 × 6, 24, 3, 32, तो 4 × 8, सो अल्टीमेटली ये वैल्यू आएगा 589/868। अभी भी ये वैल्यू इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना फ्रैक्शन। अगर हम इसको क्विकली परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड कर दो,
तो ये वैल्यू कितना आएगा 58.9 और यहां से कितना आएगा 86.8। डन। इसको आप रफली इक्वेट कर सकते हो, 0.9 है तो इसको 1 इंक्रीज कर दो, तो इसको लिख लो 59 और इसको लिख लो 87। अल्टीमेटली आपको यही थोड़ा सा नंबर रिड्यूस हो गया कैलकुलेशन, तो अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे परसेंटेज चेंज करने के लिए 5900 / 87। हमने इसमें क्या किया है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता, 1.7 है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रफली ये वैल्यू आएगा 67.81, करेक्ट है। सिंस आपने थोड़ा सा एवरेज आउट किया था तो ये आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 67.86, क्लियर है। और यही हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस तरह का अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए, ये क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।